जिला शिवपुर के तहसील कराहल के ग्राम पंचायत बरगवा में विधवा महिला के जमीन पर दंगबंगों ने किया कब्जा। ग्राम बरगवा में विधवा महिला सुशीला जाटव पत्नी स्वर्गीय ब्रजलाल जाटव के बड़े को जाने वाले रास्ते पर दबंग ने कब्जा कर बेच दी और उस पर मकान का निर्माण चल रहा है। इस पर महिला ने आपत्ति जताते हुए तहसीलदार को आवेदन दिया, साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई। इस पर नायब तहसीलदार नवल किशोर जाटव द्वारा बताया गया कि उस भूमि का निराकरण जल्द ही किया जाएगा, साथ ही बताया जाएगा जिन जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है उनको नोटिस भेज दिए गए, जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सुशीला जाटव। अच्छा, पति का क्या नाम है? ब्रजलाल था, ब्रजलाल। अच्छा, तो क्या समस्या क्या आ रही है आपकी ज़मीन पे? हमें समस्या यही आ रही है कि हमारा रास्ता, हमारी जगह थी ना, वहाँ पर जो दूसरे ने मकान बना लो। किसने बना लिया मकान? वो परमाल है भाई को। अच्छा, परमाल को ज़मीन मतलब उसने खरीदी थी या जबरदस्ती बना लिया? नहीं, खरीदी है किसी से। अच्छा, किससे खरीदी है कुछ पता है? वो राजू शर्मा से। अच्छा अच्छा, तो आपका रास्ता वहीं से था पहले? वहाँ पैसे ही हो। अच्छा, तो आप क्या रास्ता देने से मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी आपने कहीं शिकायत वगैरह कुछ की है? हाँ, करी है। अच्छा, तो पटवारी जी से बात हुई थी क्या? भी गई और तहसील में भी गई। अच्छा, हाँ, एप्लीकेशन तहसील में भी दी मैंने। अच्छा अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? और कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो ये आपने किससे खरीदी थी जगह? ये आदिवासी से खरीदी। अच्छा, आदिवासी से खरीदी, चलो ठीक है। कितने समय पहले खरीदी आपने ये जगह? वो हमें लिखी है पंचनामा में। अच्छा, पंचनामा है आपके पास? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर, जैसे कि अभी बरगमा, ग्राम बरगमा में अतिक्रमण की प्रक्रिया चल रही है, जैसे दबंगों द्वारा अभी एक विधवा महिला पर, अभी उसके जो बाड़ा है या उसका थैर वगैरह जैसे अपन बोले, उसके जो रास्ता जाता है उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया, आप किस पर क्या कार्रवाई? एक्चुअल में केवल एक विधवा महिला की बात नहीं है, भरगवा में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उनकी रिपोर्ट पटवारी ने मुझे दी है और उसके हमने धारा 2 MPLRC की जो हमारी धारा होती है 248, उसमें हमने कार्रवाई की है, नोटिस भी जारी किए हैं और वेदक लिए आदेश भी हमने किया है और पुलिस की सहायता से हम अतिक्रमण भी निश्चित तौर पर हटाएंगे। लेकिन हाँ, जिस महिला के द्वारा ये शिकायत की गई, इस पत्रकार ने छापा है, उसमें भी हमने यहाँ की पता किया, जो महिला जिस जगह के लिए रास्ता चाह रही है, तो वो जगह भी लगभग 1 बीघा 242 सर्वे नंबर में, हमारे पटवारी ने हमको बताया कि ऐसे सर्वे नंबर में है, उसमें महिला खुद कब्जा करके बैठी है, वो खुद अतिक्रमणधारी है। तो हम चूँकि अतिक्रमणधारियों पे तो हम कार्रवाई करेंगे, ज़मीन छुड़ाएंगे भी और उनको यथावत रूप में लाएंगे, लेकिन एक गलत काम करने वाले व्यक्ति से छुड़ाकर दूसरे गलत काम करने वाले व्यक्ति को हम ज़मीन नहीं देंगे। जितने लोगों ने भी गलत तरीके से ज़मीन को हत्याया है या और उस पर अतिक्रमण किया है, हम सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण हमने पंजीबद्ध किए हैं, नोटिस भी दिया है और आदेश भी विधिक लिख करके हम बहुत ही जल्द उनको मौके से हटाएंगे। ठीक है सर, मौके पर जैसे देखा गया है तो थाना के यहाँ से लेके और अपना जो हाट बाजार है वहाँ तक सभी व्यक्तियों ने कब्जे कर रखे हैं और किसी का वो नहीं है, तो उसके में आप कहें? मेरे समय पे जो भी कब्जे, अभी 2-4 ही हमको रिपोर्ट समझ में आई हैं मेरे परिवार में, पूर्व में कब कैसे कब्जे हुए, कौन सी जगह थी मुझे नहीं पता था, पर जिनके हमको रिपोर्ट तत्काल मिलती है, जिनने अभी हमारे टाइम में मेरे समय में ऐसा कुछ कोई कब्जे ज़्यादा नहीं हुए हैं, 3-4 ने कोशिश की है, उनको हमने वहीं रुकवाया, उसी स्थिति में रुकवा दिया गया है और आगे भी हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे ना, हम कब्जे हमारे जब तक हमारा कार्यकाल रहेगा और हम अपने मतलब कार्यकाल के दौरान ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, कब्जे नहीं होने देंगे। एक अभी मामला पिछली बार भी हुआ था, जो हाट बाजार जो था ना, उसके लिए ज़मीन आवंटित की गई थी, लेकिन उस पर ज़मीन पर किसी व्यक्ति द्वारा दुकानें बना ली गई हैं। ठीक है, बाकी हाट बाजार की जितनी ज़मीन सुरक्षित थी, वो उस ज़मीन में हाट बाजार लगता है और उसका सुरक्षित जगह अभी खाली भी पड़ी हुई है। हाट बाजार के पास में जो दूसरा सर्वे नंबर है दुकान, वहाँ पे जिसने कब्जे किए थे उन पे भी हमने कार्रवाई की है, उनको भी पुलिस FIR भी हमने करवाई है, शासकीय भूमि का दुरुपयोग करने के लिए। ठीक है, हाट बाजार की ज़मीन सुरक्षित है, केवल वहाँ मछली मार्केट के लिए थोड़ा एक दिन प्रॉब्लम